एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक प्रिंसिपल मदन लाल जी पिछले दिनी अपने स्वासा दी पूंजी नु खर्चते हुए परमात्मा दे चरणा विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वालों कम्युनिटी हाल खजूरी गेट बटाला विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघा वालों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नु उस परम पिता परमात्मा दे चरणा नाल जोड़िया। श्री मदन लाल जी का जन्म 1 जून 1937 नूं बटाला दे प्रसिद्ध कारोबारी श्री देसराज जी दे घर होया। आप जी दो भरा अते सत भैणा सन। आप जी ने अपनी मैट्रिक दी पढ़ाई सन 1953 विच बटाला तो ही पास कीती। 1957 विच आप जी ने अपनी बीए दी पढ़ाई पूरी कीती अते अपने कैरियर दी शुरुआत डीएवी कॉलेज नवी दिल्ली तो बतौर कलर्क शुरू कीती। 1960 विच आपने लाइब्रेरी साइंस विच डिप्लोमा पास कीता। 1961 विच आप जी ने डीएवी कॉलेज विखे लाइब्रेरियन दे तौर ते अपना कैरियर अगे वधाया। 1965 विच आप जी दी बदली बतौर लाइब्रेरियन आरआर बावा कॉलेज बटाला विखे हो गई। 1968 विच आप जी इसे कॉलेज विच अंग्रेजी दे लेक्चरर बने। 1972 विच आप जी दा तबादला एमसेल बावा डीएवी कॉलेज विच होया, जिथे आप जी इंग्लिश विभाग दे मुखी बने। 1984 विच आप जी एमसेल डीएवी कॉलेज दे प्रिंसिपल बने। 1999 विच आप जी दा तबादला फरीदाबाद विखे होया, जिथे आप 1990 तक रहे। 1990 विच आप जी फिर तो एमसेल बावा डीएवी कॉलेज दे प्रिंसिपल नियुक्त होए, जिथे आप जी दी प्रमोशन बतौर डायरेक्टर डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी नवी दिल्ली विखे हुई अते आप जी उत्थों ही 1997 विच रिटायर होए। रिटायर होण उपरंत आप जी ने बटाला वापिस आके अपने देसराज डीएवी स्कूल दी स्थापना कीती, जो आज पूरे इलाके विच अपनी वक्री पहचान रखता है। इस दे नाल नाल ही आप जी ने अपने दोनों बेटियां राजेश कुमार संजीव कुमार अते दोनों बेटियां नू खूब पढ़ाया लिखाया अते समय दी हानी बनाया। आज आप जी दी वड्डी बेटी डीएवी मैनेजमेंट विच सिक्ख्या सलाहकार है अते आप जी दे वड्डे दामाद सीए वजों अपनियां सेवावां निभा रहे हन। आप जी दी छोटी बेटी हंसराज कॉलेज विच इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विच हेड हन अते आप जी दे छोटे दामाद डीएवी इंजीनियरिंग कॉलेज विच बतौर प्रिंसिपल अपनियां सेवावां निभा रहे हन। Yeah.
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1968 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 1969 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ, ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਸਭਾ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਧ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਣਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਘੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰੇ ਹੋਏ ਪਲ ਅੱਜ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹਰ ਆਮ ਦਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਥੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਾਹ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨੂਠਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਥਾ। ਅਭੀ ਅਭੀ ਉਨਕੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹਮ ਸਭਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਹਮ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਰਾਸਤਾ ਢੂੰਢਦੇ ਹਨ, ਵੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰਿਕ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਸੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਥੇ, ਚਾਹਤੇ ਤੋ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਥਾ, ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਉਨਕੇ ਵਿਵਸਾਏ ਮੇਂ ਜੁੜ ਸਕਤੇ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ
उनके कुछ एकेडमिक इंटरेस्ट थे, जीवन में संघर्ष करने का वो दम रखते थे। उन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत की उसको अपने व्यवसाय से ना शुरू करके उन्होंने एकेडमिक करियर के साथ अपनी शुरुआत की। एक क्लर्क के पौधे में उन्होंने नियुक्ति पाकर तब वहाँ से लाइब्रेरियन का कोर्स किया, एक लाइब्रेरियन बने, उसके बाद एक अध्यापक बने और अध्यापक से एक प्रिंसिपल बने, उसके बाद डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने उसी मैनेजिंग कमेटी में, डीएवी मैनेजिंग कमेटी में अपना योगदान दिया। और जब रिटायर हुए तो उसके बाद जब बटाला में आकर उन्होंने दो स्कूल स्थापित किए, इस सब के साथ साथ उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल करियर था उसमें भी पूरा योगदान रखा। मैनों बहुत बड़ा मिलने का मौका मिला, मेरे को ऑफ भी आए, मैं स्कूल के प्रोग्रामा में भी उठ गया। इन्ना मान सत्कार जिन्ना उन्होंने दिता मैं अपनी सारी जिंदगी में भूल नहीं सकता। अज आप सारे जो बैठे हाँ, भैन भरा रिश्तेदार से आप उस वजह करके कट्ठे होते हैं और अजे जो भरिया मटा लिया के बाद भारी तादाद में आप सारे आए हैं। साडे उत्ते श्री मदन लाल जी शख्सियत का बड़ा डूंगा सी, मैं जाति तौर के उत्ते उन्हां तों बहुत प्रभावित सी। पर प्रिंसिपल मदन लाल जी का मेरे नाल पिछले 50 साल तों रिलेशन सी, चाहे वह पॉलिटिक्स सी, चाहे वह एजुकेशन सी, चाहे वह सोशल वर्क सी, कोई भी समाज जेड़ा पैदा सी मैं उन्होंने गाइडेंस के मुताबिक चलता सी। जिस तरह दसिया कि उन्होंने स्वभाव माफ करना थोड़े दिन पहला संजीव जी के कोल मैं स्कूल बैठा सी, मैं दस रहा सी कि मैं किस तरह बहुत शरारती स्कूल का उन्होंने कॉलेज लाइफ विद्यार्थी सी। कभी भी उन्होंने इस शरारतों को कीतियां दियां नज़रअंदाज किया, तो बहुत प्यार नाल सारे विद्यार्थियों को समझाते सी कॉलेज की तरक्की बारे हर वेले गलबात करते रहते सी। जो मैं कॉलेज पढ़ता सी कभी उन्होंने ऑफिस के विच बैठे सी देखता घूमते रहते सी हर क्लास के बाद, हर क्लास के बाद देखते रहना। साथियों समाज के विच भी जो उन्होंने सेवा की, अलग अलग संस्थावां नाल जुड़े, प्रजा बरादरी नाल जुड़े, रोटरी क्लब नाल जुड़े, ये सेवावां उन्होंने कितने भी भुलजो नहीं, शहर का बच्चा बच्चा जानता। मैं सब का परिवार वालों दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदा जिन्होंने इस दुखी समय के अपना कीमती समा कढ के हाजरी भरी है। सारिया संगतों हाथ जोड़ के बेनती है कि सब ने गुरु का लंगर तैयार है, प्रशादा छक के जाने की कृपालता करनी है और अरदास करनी है कि प्रिंसिपल मदन लाल जी परमात्मा के चरणों में जिथे निवास कर उत्थे परिवार को भाणा मरण का बन बख्शन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।